समझ में नहीं आएगी बच्चों को, और बाबा फरीद की कुछ गालियाँ लगाता हूँ तो झूमते हैं उसके ऊपर, वो केसर मांग लेते हैं मुझे। पहले उनका अल्लाह ना चला, उनको अल्लाह भूल ही दिया, मोरू टकरा गए तो डरा देगा इनको अल्लाह अल्लाह। ठीक है, आप कहते हैं अल्लाह कहते हैं, पूजा पाठ हम वही करते हैं, पहले करते हैं, अब जब थोड़ी सी बात करते हैं ना तो चक्कर होना शुरू। अब क्या करें, बस लगे रहो, पता है जब अल्लाह अंदर चला गया जिधर अल्लाह इधर हो ही जाए। अब उन्होंने अपना गुलाम रखा सोमनाथ मंदिर, कोई तारीख रिकॉर्ड है कि गुरुद्वारे में किसी मुसलमान ने जाके खड़ा किया? कोई तारीख नहीं, बेशक ये तारीख क्यों दोहराई गई, गुरुद्वारे में उन लोगों ने दावत दी था अफ्ताब। गुरुद्वारों वालों ने दावत दी, गिरजों वालों ने दिया थी, मंदिर वालों ने दावत दी, अब ये जो इमाम बारगाह वाले उन्होंने भी दावत नहीं, वहां प्रोग्राम करके बहुत बड़ा विशेष हुआ। इसका मतलब हर तबके में कुछ अल्लाह की तलब है, कुछ तो बाकी जो तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला हिफाजत से मिलेगा, किस्मत से मिलता है, जिस कोई चाहेगा भले पास पा के घर चोरी करने चला जाए मुल्के को तो बन के आ जाए। चोर कौन सी बात जानता है, जिसको चाहे, जिसको चाहे तो कोई के कैसे हो सकता है, उसकी कुदरत का मुनकर होता है। यहाँ कहते हैं इसको नमाज भी नहीं आती है, इसकी दाई भी नहीं, कैसे हो गया मुनकर? इसमें ये थोड़ा सा है, जिसको चाल है कोशिश करे ना, सब कुछ नहीं लुटाया उसको, खुद इंजॉय करिए, इंजॉय नहीं सब उल्टा घर बार सब नहीं कुछ, लेकिन जब चाल है फिर तो मतलब उस चाल भी, और अब तो उसने चाल लिया ना, अब जो कुछ मैं खर्च करूंगा अब रहेगा तो नहीं आएगा अब क्या जो लिया उसने, जब तक नहीं चाल बस सही रहे, यानी पता नहीं उसका कबूल होगा कि नहीं, चाह लिया ना उस चाहने की गारंटी है। वहां एक अंग्रेज ने कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा, त्यार हो भी त्यार हूं, शराबें भी छोड़ दूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा, जो कुछ हो सारे काम करेंगे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या तुम्हारे आलम कहते हैं गारंटी फिर भी नहीं है, दो सफाई वेस्ट है। वो कहते हैं कि हमें अपनी गारंटी नहीं, हम तेरी कैसी गारंटी दे, कहते जब गारंटी नहीं मैं सब कुछ क्यों करूं, बात भी सही है ना, अगर गारंटी नहीं है तो मैं सब कुछ क्यों करूं। कहना वो सरहद कमजोर है जिसकी गारंटी, एक गरीब गारंटी देता है ना, अगर तू गारंटी नहीं देता तो इसको कहते तुम्हारा मजा हो जाए, इस वजह से इसकी गारंटी नहीं, या गारंटी दो था मैं सब कुछ छोड़ने लिए तैयार हूं। अब वो गारंटी क्या है, अब तुम्हें भी नहीं पता, तुम दोस्त की वजह भेजती हो कोई पता नहीं है ना, लेकिन इसमें गारंटी गारंटी गलियों को पता है कि गारंटी गारंटी मौलवी डराता है एक नमाज नहीं पड़ेगा 50 साल पीछे चला जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा, यही कहता है ना, वो इतना डराता है लेकिन गारंटी फिर नहीं देता।
वली गारंटी अब्बल असल फरकानी वली थे लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अगर मैं तेरे पिछले काम लोगों को बता दूं जो करता रहा है लोग तुझे पत्थर मार मार देंगे संसार का ठीक है अल्लाह अगर मैं तेरी रहमत को मतलब लोगों को बता दूं तो कितना मेहरबान है कि तुझे कोई भी सजदा ना करे तू भी ना बता हम भी नहीं बताते वो जो गारंटी का राज है वो क्या है सुल्तान किताब में पढ़ा कि जो मेरा मरीज है पहले दिन मिसले बाज हिंदुस्तान है मेरा मरीज पहले दिन जबकि ये गुनाहगार है इसको नमाज को नहीं आया ये अभी तो उसको ना जिक्र नमाज पहले नहीं आया तो उनकी तरह कैसे हो सकता है बात समझ में आती है फिर पता चला भाई गुस्तामी रहमतुल्ला 12 साल जन्म में हर किस्म की इबादत करते रहे तो फिर उनका कलब जारी हुआ अल्लाह हमारा मरीज पहले से कलब जारी हो जाता है वो 12 साल के बाद अल्लाह ने मंजूर किया इसको पहले अल्लाह मंजूर कर लेता है फिर ये इबादत में चलता है वो इबादत के बाद मंजूर नजर हुआ अब जिक्र कलब कही है ये अपने बस में अगर अपने बस में होता आज हर आदमी ने नजाकत कर लिया ये अपने बस में नहीं है ये अता है ये रब की तरफ से अता है जिसको चाहे जिसको जिक्र कलब अता हो गया रब की तरफ से उसकी निशानी उसके अंदर अल्लाह लशन हो गई जिस तरह आप हज में जाते हैं अगर आपको हज कबूल हो जाए आपके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं कलब की भी यही है जब उसका कलब जारी हो जाता है ना उसके भी पिछले ये ऐसे अफजल है वहां पता नहीं आपके ऊपर नजर पड़ी या नहीं पड़ी ये नजर पड़ी थी आपका ऐसा ये नजर पड़ी था ऐसा होगा वहां पता नहीं आपकी नजर पड़ी ना पड़ी वहां आज कबूल हुआ तो पिछले माफ हो गए ना यहाँ पिछले भी माफ हुए तो अगले हो रहे हैं ना तो वो भी अल्लाह उनको काट रहा है ना वो जो अल्लाह अल्लाह उनको फर्क कर रहा है ये एक बेहतर दरिया है तो जो भी इसमें गंदगी आती है ना तो वो भाग के ले जाता है वो भी गंदगी आती है उसमें भाग के ले जाता है तो ये जिक्र कल भी गारंटी गारंटी अगर किसी को रब की तरफ से अता हो गया वो गारंटी गारंटी फिर उसके लिए गौस पाक ने फरमाया जब ये गौस पाक के पास था उन्होंने फरमाया मेरा मरीज ईमान के बगैर नहीं जाएगा 70 मरतबा अल्लाह से ईमान के बगैर नहीं जाएगा और ये भी कहा मेरा मरीज जैसा भी है वो भी ईमान के बगैर नहीं जाएगा मरीज हुआ है जिसका जिक्र अल्लाह कलब अल्लाह करे उसको उन्होंने मरीज कहा है मेरा मरीज हो गया जैसे कलब ने अल्लाह करना शुरू कर दी फिर वो गुनाह में लग गया मरते वक्त फिर उसको अल्लाह जारी दे मरते वक्त फिर उसको अल्लाह जारी हो जाएगा ये कराची में एक अफजाल है तो उनका जिक्र हो रहा चलता था उनको सब बुखार हो गया और किसी तरीके से उतरे नहीं उन्होंने समझ लिया कि अब मेरी जिंदगी जो है वो आखिरी ये भी सोचने लगे कि मेरा जिक्र की माने ये ख्याल आया कि गौस पाक ने कहा था कि जितना भी बड़ा गुनहगार है लेकिन मरते वक्त उसका कलब जारी रहेगा दोबारा मेरा कलब जारी कहते हैं मैंने सोचा मेरा अल्लाह का शुक्र उधर हदीस ही है कि जिसका मरते वक्त जुबान में कलमा पढ़ रहा है हिसाब किताब के एक बुजुर्ग थे राजी वो बहुत कलमे का तकरार करते हर वक्त वो कलमा पढ़ते रहते
इतनी आदत हो गई उसको।